नहीं था, विभाग को पहले उस तरह की क्वेरी नहीं की गई थी, इसलिए ये बात है, कोई नई बात नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों प्रोफेसरों की कमी है और उसके बाद अगर फिर से रिव्यू पिटीशन में जाया जाता है तो फिर परेशानी हो जाएगी। अरे ठीक है, तो सरकार सभी पक्ष को देख करके ना काम करेगी, तो अच्छा, चल रहा है ना। अच्छा, शिक्षक अभ्यर्थी सर लगातार आंदोलन पर है, आज भी या फिर 20 तारीख को जा रहे हैं। अब ये बात एक रुक जाओ, शिक्षक अभ्यर्थी का जब सब तरफ से आप जान रहे हैं कि ये नियोजन नीति ये प्रक्रियाधीन है और जल्द से जल्द होने वाली है, तो इसमें रोज रोज एक ही बात को पूछना, तो 2 करोड़ वाले से प्रतिवर्ष वाले से क्यों नहीं पूछते, कुछ पूछना चाहिए 2 करोड़ वाले से भी। प्रतिवर्ष जो 2 करोड़ दे रहे थे ना, वो लिए हैं कि दिए हैं, सो भी तो हिसाब किताब कर देते ना थोड़ा सा। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी ये मानने को तैयार अभी अब उतना देखिए, तो उनका अख्तियार है ना, वो आंदोलन जो अपने डिमांड के लिए आएगा बेचारा आंदोलन करेगा, लेकिन आंदोलन करना व्यर्थ है, सरकार खुद ही उसमें चिंतित है। हाँ, ये प्रक्रियात्मक कार्रवाई होती है तो उसमें कुछ कुछ बातें आती है, पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त फर्जीवाड़ा से मुक्त ऐसा कोई नियमावली बने, इसी के दिशा में काम हो रहा है। कोई टाइम टेबल है सर, कब तक हो पाएगा सर? जल्द से जल्द होगा, चिंता मत करिए। बीजेपी ने कहा है कि धर्म ग्रंथ पे सवाल खड़ा करने वाले लोग ना समझ है। अच्छा, तब नहीं, हम जो विमर्श छे रहे हैं तो मोहन भागवत उस विमर्श को मान लिए हैं, हम दूसरे की बात क्यों करें सो बताइए। अरे भाई, तो मोहन भाग इसलिए कहने कि मोहन भागवत जी को ना पहले अज्ञानी बोलना चाहिए उनको, कि जब मेरे बात का पूरी तरह से समर्थन मोहन भागवत जी ने कह दिया है तो बीजेपी मोहन भागवत के बारे में क्या कहती है, ये भी तो